पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सर्प्रयास वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित योग सप्ताह के अंतर्गत योग शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षक धीरज गुप्ता ने प्रोटोकॉल के तहत योग अभ्यास कराया। संजीव शर्मा ने शीर्षासन कराया। प्रसिद्ध नेचुरोपैथी की विशेषज्ञ डॉक्टर नीलू सिंह ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। राजकीय इंटर कॉलेज की योग शिक्षिका गीतांजलि दक्ष ने सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया। भारत प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सुप्रीत सिंह ने शारीरिक व्यायाम में भुजंगासन शशकासन का भी अभ्यास कराया। शिक्षिका छाया गुप्ता ने बॉडी फिटनेस पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। बताया कि योग करके हम सभी बीमारियों से बच सकते हैं। कार्यक्रम संयोजक उदय भान सिंह ने बताया कि उन्होंने अपील की कि कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से एक जगह भीड़ इकट्ठा न करके सभी लोग अपने घरों पर योग करें, तो संस्था के काफी लोगों ने घर पर रहकर अभ्यास किया, जिसमें मुख्य संरक्षक अशोक शर्मा, संरक्षक हृदेश कुमार सिंह, जूही माथुर, इंजीनियर सुनील शर्मा के साथ और भी लोगों ने घर पर रहकर ही योग किया। आज का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सर्प्रयास वेलफेयर सोसाइटी द्वारा यहां पर योग का आयोजन किया गया है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अपने ही परिवार के बीच में ये योग मनाया जा रहा है। बहुत कम संख्या में लोगों को हमने अपने परिवार के सदस्य भी मना रहे हैं, और योग प्राणायाम ही हमारे जीवन का आधार है। हम सब लोग यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप नियमित अपने जीवन में योग और प्राणायाम से जुड़े रहेंगे, तो सभी बीमारियों से आपको छुटकारा मिला रहेगा। आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो भारत अवश्य ही समृद्ध होगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।